गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देख रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये सभी के सभी कार्बोनिल कंपाउंड में कंसीडर किए जाते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है इनके लिए, वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये फंक्शनल ग्रुप होता है उनका। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड के लिए है। और अगर हम एक मेंबर को लिखना चाहें तो इस आर को रिप्लेस करके हमने हाइड्रोजन लगाया है, तो पहला मेंबर बन जाएगा जिसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। नॉमिक्लेचर की बात अगर हम करते हैं तो आईयूपीएससी नॉमिक्लेचर की बात करें अगर हम, तो हम जो भी पेरेंट एल्केन होगा उस पेरेंट एल्केन से ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे और एल को ऐड करेंगे। जैसे अगर एक कार्बन का सिस्टम है तो मेथेन का, इसका पेरेंट नेम मेथेन से होगा, तो ई हटा दीजिएगा, एल लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने मिस किया है उनके लिए है। फिर उसी तरह जैसे मान लीजिए CH3CO डबल सी डबल बॉन्ड ओ एच, दो कार्बन की संख्या है तो इथेन से ई हटाइए, ये हो जाएगा एथेनॉल। ऐसे ही कार्बन की संख्या तीन कर लें, ये C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंपाउंड के आप नाम लिख सकते हैं और पीएससी नॉमक्लेचर कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक अगला कंपाउंड हम लें, अगला कंपाउंड अगर कुछ ऐसा हो तो इसका आईपीएससी नाम कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है इधर से आप नंबरिंग करेंगे, तो 1, 2, 3 इस तरह की नंबरिंग करिए। और ऐसे नंबरिंग करने के बाद जो साइड चेंज होते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है कार्बन की संख्या को दिखाते हुए। तो सेकेंड नंबर पर आपका सीएल ग्रुप है, इसको क्लोरो लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 क्लोरो और 3 कार्बन का सिस्टम है, यानी पेरेंट नेम जो होगा वो प्रोपेन का डेरिवेटिव होना चाहिए। ई हटा करके एल लगा लीजिएगा तो प्रोपेनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएससी नॉमक्लेचर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रिपरेशन देख रहे हैं, प्रिपरेशन हम कलेक्टिवली देखते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का देखते हैं एक साथ। सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्डिहाइड का, साथ में कीटोन भी आपको हम बताते रहेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर तो 1 डिग्री एल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, जैसे लिखा RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिफाइड सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड OH। आर की संख्या यानी कार्बन की संख्या में चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एथेनॉल लिया है, एथेनॉल को हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर एस्टरडिहाइड बन जाएगा ये साथ में H2O। ये 1 डिग्री ले रहे हैं तो आपका बन रहा है एल्डिहाइड, 2 डिग्री लेंगे तो कीटोन बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे एल्कोहल 2 डिग्री लिया तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कीटोन। नेक्स्ट होगा कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल लेना है किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ऐसा। तो एल्कोहल फिर से 1 डिग्री एल्कोहल आप लीजिए,
कॉपर यहाँ पर कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रिएक्शन करना है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन है और आप देखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन जा रहा है ऐसा, एन प्लस हाइड्रोजन इस तरीके से। तो ये एक आसान सा रिएक्शन है। फिर एग्जांपल ले लीजिए सी एस थ्री सी एस टू ओ एच के फॉर्म में, तो आप देखेंगे बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच टू। मैं एक बार कुछ देर छोड़ दे रहा हूँ जिससे आप रिएक्शन लिख सकें आराम से। आगे मैं कर रहा हूं स्विफ्ट जिससे आप देख सकें रिएक्शन को कंप्लीट। कोई डाउट होगा तो आप इनबॉक्स में ले सकते हैं। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। पहला रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वाला भी। आप समझ करके लिखें इसे। तो ये दो रिएक्शंस आपने देखा होगा। तीसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स या ओजोनोलिसिस। तीसरे रिएक्शन को हम देखने जा रहे हैं, ओजोनोलिसिस के नाम से जाना जाएगा, उसे हम करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस Thank you.